मैं अपने बड़े भाई आदरणीय मदन मोहन झा जी से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द अपनी बात को कहें। आदरणीय बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन में बिहार में दिल्ली में उपस्थित मंचासीन इस महासम्मेलन के मेंटर सर्वे सर्वा अजय कपूर साहब, हमारे बीच दिल्ली में उपस्थित हमारे नेता प्रमोद तिवारी जी, दिल्ली में उपस्थित हमारे नेता कैप्टन अजय यादव जी, दिल्ली में उपस्थित हमारे पूर्व सांसद रंजीत रंजन जी, पूर्व विधायक आलका लांबा जी, पटना में हमारे उपस्थित हमारे लोगों के अभिभावक सदानंद बाबू, कार्यकारी अध्यक्ष समीर बाबू, ब्रजेश पांडे जी, हमारे साथी विधायक प्रेमचंद मिश्रा जी, हमारे अभिभावक कृपानाथ पाठक जी, राजेश राठौर जी, संजीव जी, मिन्नत जी, चंद्रप्रकाश जी, दिल्ली मधुबनी में उपस्थित शीतलाम्बर झा जी, डॉक्टर शकील अहमद साहब, भावना झा जी, और जो व्यक्ति समय अभाव के कारण नहीं बोल पाए उसमें मधुबनी के हैं अनुरंजन सिंह जी, अनीता यादव जी, मनोज कुमार मिश्र जी, विजय कुमार रावत जी, सुल्तान अहमद जी, राम इकबाल पासवान जी, अकील अंजुम जी, वैद्यनाथ झा जी, दीपक सिंह जी, किशोर झा जी, सब्बीर जी, मीना देवी कुशवाहा जी, कृष्णकांत झा गुड्डू जी, रणधीर झा जी, शुभंकर झा जी, रमन जी चौधरी, मिहिर झा, हिमांशु कुमार जी, राशिद फाकड़ी जी, ज्योति रमन झा जी एवं मधुबनी के प्रखंड अध्यक्षगण, सुपौल के हमारे अध्यक्ष विमल कुमार यादव जी, विजय कुमार गुप्ता जी, प्रमोद कुमार सिंह जी, जो लोग नहीं बोल सके उसमें लक्ष्मण झा जी, जयप्रकाश चौधरी जी, अनोखा देवी जी, रंजीत मिश्रा जी, अमरदीप जी, जियाउर रहमान जी, नरेश कुमार मिश्र जी, रमेश प्रसाद यादव जी, अभय तिवारी जी, सूर्य नारायण मेहता जी, राज नारायण गुप्ता जी, और हमारे बीच उपस्थित सदाकत आश्रम में मधुबनी में, और मैं उन सभी 120,000 व्यक्तियों को जो इससे अभी जुड़े हुए हैं उन सबों का मैं इस महासम्मेलन में स्वागत करता हूं। आप जानते हैं जो अभी इस टाइम 120,000 आदमी हम लोग से जुड़े हुए हैं, इससे पता चलता है जो अजय कपूर जी का यह कार्यक्रम तय किया गया वो कितना प्रभावी है। आज भी मुझे लोग मीडिया के लोग पूछ रहे थे जो जदयू की इतनी तैयारी से रैली हुई लेकिन आप लोग से फीका पड़ा, क्या कारण है? मैं समझा हम लोग ने नहीं किया, यहाँ की बिहार की जनता ने रैली में भी फीका कर दिया और चुनाव में भी फीका कर देगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अजय कपूर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ मधुबनी जिला है और आज मैं जो भी हूँ उसमें मधुबनी जिला का बहुत बड़ा योगदान है। मैं विधान परिषद इसी क्षेत्र से जीत करके आया और तब मैं लीडर भी बना, मंत्री भी बना और अध्यक्ष के रूप में आपके बीच हूँ, इसमें मधुबनी जिला का बहुत बड़ा योगदान है। मैं तहे दिल से उन लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। सुपौल जिला के लोग भी हमारे बीच हैं। मैं चुनाव में रंजीत रंजन जी लड़ रही थी,
मैं 5 दिन तक उनके निर्वाचन क्षेत्र में था, वहाँ के लोगों ने जो लाड़ और प्यार और जो रिस्पॉन्स किया उसका मैं कायल हूँ, उन्हें भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी ने कहा था वर्चुअल रैली में, जो कोई भी परिवर्तन बिहार से शुरू होता है, चाहे वो स्वतंत्रता का आंदोलन हो, चाहे अन्य कोई आंदोलन हो, चाहे यह कंस राज के नाश का आंदोलन हो, निश्चित रूप से बिहार से शुरू होगा। और इस बार बिहार की जनता तय कर चुकी है जो इस एनडीए सरकार को ये झूठ और फरेब के बल पर जो यह सरकार चल रही है उसे हटा करके यहाँ की जनता दम लेगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं ज़्यादा बात नहीं कहना चाहता हूँ, मैं मिथिलांचल के लोगों से एक बात कह चाहे छी, एक बार जोर लगाओ और महागठबंधन के सरकार बनाओ। बिहार की जनता करे पुकार, इस बार होगी महागठबंधन की सरकार। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, चाहे वो किसान हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे स्वास्थ्यकर्मी हो, चाहे महिला हो, चाहे अन्य लोग हो, सभी लोग इस सरकार से प्रताड़ित है। यह सरकार में परीक्षा तो होता है नौकरी के लिए, लेकिन 2-2 साल तक उसका रिजल्ट नहीं निकलता है। आज भी हमारे युवक कांग्रेस के साथी आंदोलन में गए तो उन पर केस भी लादा और जेल भी भेजा। क्या रिजल्ट, परीक्षा का रिजल्ट मांगना कोई गुनाह था? हम लोगों ने जब जब भी जुलूस निकाला, आज भी इस दरमियान हम पर भी 5 FIR किया गया। हमारे कोई भी नेता नहीं बचे हुए हैं जिन पर इस दरमियान सरकार ने FIR नहीं दर्ज किया है। आप समझते हैं जो वो अपने दमनात्मक नीति से सच्चाई को दबाना चाहती है, लेकिन बिहार क्रांति की भूमि है और यहाँ बिहार क्रांति महासम्मेलन हो रहा है, यहाँ की जनता इस पर डरेगी नहीं। कुछ निर्णय जो कर चुकी है उसको अंतिम अंजाम देगी, यह मुझे पूरा विश्वास है। मैं 1,20,000 लोगों से अपील करता हूँ, या आप जो देख रहे हैं उसको घर घर तक संदेश पहुँचाइए और इस झूठी और फरेबी सरकार को हटाइए। यही, इसी से बिहार का भी कल्याण होगा, देश का भी कल्याण होगा, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व का भी कल्याण होगा। और मैं यही कह के आपको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस।